नमस्कार बच्चों, मेरा नाम निर्मल कुमार गुप्ता, मेरे साथ हैं सुशीला चौधरी। बच्चों, आज के वीडियो में हम कक्षा 9 की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड के अध्याय 11 का भाग 2 पढ़ेंगे। कवि का नाम है रसखान। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने रसखान के सवैयों का सार पढ़ा था। इस वीडियो में हम इस अध्याय के कुछ प्रश्नोत्तर हल करेंगे। शुरू करें बच्चों। प्रश्न 1, कवि रसखान थे। बच्चों, यहां आपके सामने 4 विकल्प है, जिनमें से एक सही विकल्प आपको लिखना है। पहला है कृष्ण भक्त, दूसरा राम भक्त, तीसरा शिव भक्त, चौथा हनुमान भक्त। बच्चों, सही उत्तर है कृष्ण भक्त। कवि रसखान भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। प्रश्न 2, श्री कृष्ण ने किस पर्वत को अंगुली पर उठाया था? उत्तर है, श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अंगुली पर उठाया था। प्रश्न 3, कवि पक्षी बनने पर क्या चाहता है? उत्तर है, कवि कहता है कि यदि मैं पक्षी के रूप में जन्म लूं तो मेरा बसेरा या घोंसला यमुना नदी के किनारे कदम के पेड़ पर हो। प्रश्न 4, कवि सोने चांदी के महल किस पर वारने के लिए कह रहे हैं? उत्तर है, रसखान सोने चांदी के महल ब्रजभूमि की कांटेदार झाड़ियों के वन पर वारने के लिए कह रहे हैं। प्रश्न 5, कवि रसखान अपनी आंखों से क्या निहारना चाहते हैं? उत्तर है, कवि रसखान अपनी आंखों से ब्रज के वन, बाग और पेड़ निहारना चाहते हैं। प्रश्न 6, गोपियां श्री कृष्ण के लिए क्या करने को तैयार है? उत्तर है, गोपियां
श्री कृष्ण के लिए मोर मुकुट सिर पर पहनकर पीले वस्त्र पहनकर हाथ में लकड़ी लेकर ग्वाल बनने सहित कोई भी रूप बनाने को तैयार है। प्रश्न 7, कवि रस खान का जीवन परिचय लिखिए। उत्तर हैं, कवि रस खान का जन्म दिल्ली के आसपास सन 1548 में तथा मृत्यु सन 1628 में मानी जाती है। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम के कारण ये ब्रजभूमि में रहने लगे थे। ये भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। इनके काव्य में कृष्ण के रूप ब्रजभूमि तथा राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन है। बच्चों, ये थे इस अध्याय के प्रश्नोत्तर। इन्हें आप वीडियो में देखें, समझें, याद करें और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। धन्यवाद।